नमस्कार प्रिय दर्शकों, ये जो नौ ग्रह है ना, ये नौ ग्रह नहीं है, ये ईश्वर का दूत है जो आपके जीवन में सुख और दुख का संचालन करता है। हाँ, ये बात 100% सच्चाई है कि मनुष्य के ऊपर जो दुख और सुखों की प्राप्ति होती है ना, ये इंसान के इस जन्म का, पिछले जन्म का, माता पिता का और खुद से जो कर्म करता है वर्तमान में उसका फल मिलता है। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ग्रहों का इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप कितने धनी हैं या कितने गरीब हैं, आप कितने शक्तिशाली हैं या कितने कमज़ोर हैं, आपका जात क्या है, आप ऊँचे जात के हैं कि नीचे जात के हैं, या फिर जो है आपके अंदर दैविक शक्ति कितनी है या फिर एक सामान्य इंसान है। ग्रहों को इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं पड़ता कि आप एक समाज सेवक हैं या स्वयं के लिए जीते हैं। इनका काम होता है अपने जीवन में दशा और अंतरदशा में अपने प्रभाव को दिखाना, और इससे आपको निश्चित तौर पे यह रियलाइज भी हो जाता है कि अपने और पराये क्या होते हैं, धन का क्या महत्व होता है। कहते हैं ना कि दुख में इंसान बहुत कुछ सीखता है जो सुख में नहीं सीख पाता, ये बात बिल्कुल 100% सच्चाई है, क्योंकि सुख में प्रत्येक मनुष्य अपने सुविधा के लिए ही जीता है, जो वो चाहेगा वो ले सकता है, लेकिन दुख में मनुष्य वो चीज़ें सीखता है जो पैसे दे करके भी सुख में नहीं सीखा जा सकता। इसलिए चलो, कभी कभी दुख भी आना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कभी कभी मनुष्य के जीवन में इतना ज़्यादा दुख आ जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, जिस चक्कर में वो अध्यात्म का या अपने कर्म का या किसी ज्योतिषाचार्य का या ईश्वर का शरण लेता है। हालांकि मनुष्य जो है निश्चित तौर पे आगे बढ़ता ही है, समय बदलना ना बदलना ये तो ग्रहों के अनुसार ही निर्भर करता है। नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, आज की जो ये वीडियो है ना, आपके ऊपर ही निर्भर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्वयं देखिए कि 17 जून 2023 से लेकर के 29 मार्च 2024 तक किस प्रकार से आपके जीवन में दुखों का साया खत्म होगा, यानी स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत ही विस्तृत जानकारी आपको प्रदान करूंगा। प्रिय तुला राशि वाले, आप सोच रहे होंगे कि आपके ऊपर ही ये वीडियो क्यों। प्रिय तुला राशि वाले, आपके ऊपर यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आपके दुखों का शुरुआत उसी समय हो चुका था जब आपके जीवन में शनि की ढैया प्रारंभ हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि शनि की ढैया तो सभी राशियों पे चलता रहता है, फिर आपको ही क्यों शामिल किया गया। दूसरा रीजन आपको शामिल करने का ये था कि 2020 में शनि की ढैया चालू हुई और 2021 में लग्न भाव में केतु बैठ गया और सप्तम भाव में राहु बैठ गया। शनि की तीन दृष्टि होती है, तीसरी सप्तम दशम, राहु की भी तीन दृष्टि होती है, पंचम नवम और सप्तम। ऐसे चक्कर में क्या हुआ कि आपके जीवन में जो है तनाव बढ़ा, आपकी खुद की प्रतिष्ठा यानी पर्सनालिटी लोगों के बीच में, समाज के बीच में खराब हुई। सबसे ज़्यादा डैमेज आपके दाम्पत्य जीवन और व्यापार को किया 2.5-3 सालों में राहु और शनि मिलकर के। इसके अलावा लव लाइफ, वैवाहिक जीवन के अलावा संतान पक्ष और प्रमोशन और पदोन्नति में तो खैर ये बिल्कुल बर्बादी के कगार पे आपको लाकर पहुंचा दिया। मैं इस चीज़ को जानता हूं कि आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, समाज में लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सिक्योर और पर्सनल जीवन जीना पसंद होता है, लेकिन आप दूसरों की सहायता करने का चक्कर में भी 2.5 साल में बहुत ज़्यादा बर्बाद हुए। तो चलिए, आज मैं जो आपको वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आपके जीवन में अब किस प्रकार से सुधार होना चालू होगा और क्यों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आखिर क्यों। प्रिय तुला राशि वाले, सबसे पहला देखिए क्या है कि शनि देव जो है आपके कुंडली के पंचम भाव में विराजमान होकर के अभी वर्तमान समय में वक्री अवस्था में 17 जून से 4 नवंबर 2023 तक वक्री अवस्था में है। शनि की तृतीय दृष्टि जो है सप्तम भाव पे पड़ रही थी और शनि की दशम दृष्टि जो है द्वितीय भाव पे पड़ रही थी। तो सबसे पहला जो आपके जीवन में सुधार होगा वह होगा निर्णय शक्ति का। जी हाँ, एक तो शनि वक्री हो रहा है जो आपके द्वितीय भाव को देख करके आपके वाणी पे सुधार कर देगा, और केतु का प्रभाव अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और लग्न में बृहस्पति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति लग्न को देखेंगे, क्योंकि बृहस्पति भरणी नक्षत्र में चले गए हैं समगिरी नक्षत्र में और इनकी डिग्री बढ़ रही है और केतु की डिग्री अब घट रही है। तो तनाव, डिप्रेशन से रिलेटेड जो जीवन में परेशानियां थी, जो अपने जीवन में स्वयं की बड़े निर्णय नहीं ले पाते थे, जैसे आप सोचते थे कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन क्या करेगा, लोग क्या
सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इन सभी चीजों को दरकिनार करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेना चालू कर देंगे, यानी कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ रहा है। ये पहला नंबर पर शुरुआत होगा। दूसरा नंबर पे सबसे ज्यादा आपका जो शुरुआत होने वाला है वह आपके दाम्पत्य जीवन का अब निर्णय होगा। क्या हो रहा था कि तीन वर्षों में वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो गया, डायवोर्स तक के बाद पहुंचे, जहां शादी करना चाहते तो वहां नहीं हुआ, और इसके अलावा जहां करना चाहते तो वहां परिवार के लोग नहीं माने, और जहां हुआ वह गलत जगह पे हो गया। अब शनि की तृतीय दृष्टि वक्र अवस्था में चली गई है। 29 नवंबर से राहु सप्तम भाव को छोड़कर के षष्ठम भाव पे आ जाएगा। सप्तम भाव पे बृहस्पति शुभ और लाभकारी पोजीशन पे रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली के तृतीय भाव के अलावा षष्ठम भाव का अधिपति होते हैं, लेकिन बृहस्पति लाभ स्थिति में है, यानी अब आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। जिनका डायवोर्स वगैरह नहीं हो रहा था या सेपरेशन था, या तो एक साथ वो फिर से पुनः सम्मिलित हो जाएंगे वैवाहिक जीवन में, नहीं तो फिर विवाह के अच्छे योग बनेंगे। जिनके अच्छे अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, अब आपके जीवन में 100% आना चालू हो जाएगा, और इसका प्रभाव तो अब चालू हो चुका है 21 जून से। समझिएगा, 21 जून से बृहस्पति भरणी नक्षत्र में चले गए हैं, और 21 जून से लेकर के 29 नवंबर के मध्य में जो है आपके जीवन में विवाह के रिश्ते आएंगे, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, जीवन वैवाहिक जीवन से रिलेटेड बड़े निर्णय लेंगे, लव लाइफ में भी सुधार होगा, और जैसे ही राहु 29 नवंबर को सप्तम भाव को छोड़ेगा आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में फुल फेज पे सुख और समृद्धि की स्थिति बननी चालू हो जाएगी, और वैवाहिक जीवन में आप कनेक्ट हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो आपके जीवन में सुधार होगा वह मैं बताना चाहता हूँ, इनकम। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण इनकम की बात करूं और व्यापार की बात करूं, मैं दोनों को एक साथ सम्मिलित कर देता हूं, यानी आपके जीवन में तीसरे नंबर पे व्यापार और इनकम की बात करूं। जैसे ही राहु सप्तम भाव को छोड़ करके षष्ठम भाव पे आ जाएगा, और शनि की बात करूं तो ये 4 नवंबर के बाद मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला शनि 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक जो वक्री हैं इनके नीच दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही थी। बृहस्पति की डिग्री अब बढ़ चुकी है, यानी बृहस्पति प्रबल के साथ अपने मित्रगत नक्षत्र भरणी में चले गए हैं, जिस चक्कर में क्या होगा कि अब आपके धीरे धीरे व्यापार की परिस्थितियां ठीक होंगी, व्यापार में जो है आपके जीवन में जो पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड दिक्कतें हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी, इंटरव्यू में बार बार आप जो फेल हो रहे थे वह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने जीवन में कोई बड़ा व्यापार करना चाहते थे नहीं हो पा रहा, तो वह ठीक हो जाएगा। नौकरी व्यवसाय में बेहतर परिवर्तन के योग बनेंगे, इज्जत बढ़ेगी आपकी, और प्रमोशन के योग बनने चालू हो जाएंगे। ये सबसे पहला जो है आपके जीवन में सुधार होगा, और 29 नवंबर के बाद जो है फाइनली आपके व्यापार में इतना जबरदस्त सुधार होगा, नौकरी में मन चाहे नौकरी लगेंगे, किसी मामले में नौकरी व्यवसाय में जो गलत आरोप लगा करके आपको उससे हटा दिया गया था, इस मामले में सुधार हो जाएगा, और क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव बढ़ रहा है तो आपके पिता से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा जो है चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा जो सुधार आएगा वह क्या होगा, आपके इनकम के सोर्स में वृद्धि हो जाएगा। राहु सप्तम भाव में बैठ करके जो आय स्थान को देख रहा था ना शत्रुगत राशि सिंह को, अब क्या होगा कि राहु का प्रभाव धीरे धीरे घटना चालू हो रहा है और बृहस्पति का प्रभाव बढ़ रहा है, तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है आपके आय स्थान को देख रहा है, जहां पे सूर्य की राशि कौन सा है, सिंह, और शनि जो है आपके जीवन में 4 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे, और वह अभी आय स्थान को देखना चालू कर देंगे जो कंटिन्यू जो है 29 मार्च 2024 तक रहेगा, और आय स्थान के शनि कारक होते हैं, 10 और 11 भावों का शनि कारक होता है, यानी आपके जीवन में इनकम का सोर्स तो 21 जून से बढ़ना चालू हुआ है, लेकिन फुल फेज पे इनकम का सोर्स जो है आपके जीवन में तुला राशि वाले वह बढ़ना चालू हो जाएगा 29 नवंबर से, जब राहु षष्ठम भाव पे प्रवेश करेंगे, यानी चारों तरफ से आय के सोर्स बनने चालू हो जाएंगे। और इधर राहु जब षष्ठम भाव पे प्रवेश कर जाएंगे तो लोन कर्जा परेशानी जो है वह सभी चीजें दूर होंगी, नौकरी व्यवसाय में जो गलत आरोप वगैरह लगा दिया गया था, फंसा दिया गया था, उन चीजों से बाहर निकलना चालू कर दीजिएगा, क्योंकि राहु जो है छठे भाव के कारक होते हैं। इसके अलावा सबसे अंतिम पड़ाव पे, यानी पांचवें नंबर पे आपके जीवन में क्या होगा मैं बताना चाहता हूं। पांचवें नंबर पे आपके जीवन में विदेश यात्रा के साथ संपत्ति का सुख बनना चालू हो जाएगा, यानी आपके जीवन में जो है जैसे ही शनि जो है 29 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, आय स्थान को देख रहे हैं, और केतु जो है 29 नवंबर को जो है
द्वादश भाव पे प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि शनि 4 नवंबर को मार्गी होंगे तो 29 नवंबर को द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपके जीवन में विदेश जाने से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी और भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग जो है वह भी बनना चालू हो जाएगा, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव का कारक होकर के पंचम भाव में वक्र अवस्था में है। जैसा ही ये मजबूत होंगे केंद्र त्रिकोण राज्यों के अलावा सस योग प्रबल हो जाएगा तो आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग भी बनना चालू हो जाएगा। तो प्रिय तुला राशि वाले, आज मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपके जीवन में अब दुखों का साया खत्म हो रहा है और अब आपके जीवन में सुखों का जो है समय वो आना चालू हो गया। इसकी भविष्यवाणी मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दी है। उपाय के तौर पे आपको निश्चित तौर पे 29 नवंबर तक चंदन का और केसर का तिलक लगाना चाहिए। 4 नवंबर तक पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीप जलाना है। तेल में थोड़ा सा काला तिल और काला उड़द का दाल मिला देना है। गायत्री मंत्र का जाप प्रत्येक दिन 5 बार कीजिए और प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को कपूर की आरती शाम के समय अवश्य दिखाइए और हो सके तो गाय और कुत्तों को रोटी या बिस्किट भी देना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए कि इसका प्रभाव बहुत ही तीव्र गति से बढ़ना चालू हो जाएगा तुला राशि वाले। तो प्रिय तुला राशि वाले, उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।